तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार राजा राम मोहन रॉय का विधायी योगदान है? राजा राम मोहन रॉय ने सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो सती प्रथा के लिए किया था। किसके लिए किया था? सती प्रथा। हमारे देश में उच्च जातियों के बीच पहला वैध हिंदू विधवा पुनर्विवाह निम्नलिखित में से किस सुधारक के रूप में मनाया गया? तो वो था ईश्वर चंद विद्यासागर। उन्होंने विडो रिमैरिज के लिए सबसे ज़्यादा काम किया था, ठीक है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा काम किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है 1829 का बंगाल विनियम अधिनियम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समस्या का समाधान था? तो जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 आया था वो सती को अबॉलिश करने के लिए, उसमें सती अबॉलिश करने की बात की गई थी और तभी से सती अबॉलिश हो गई थी ऑफिशियली, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। अगला है 1870 के कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है? तो कन्या भ्रूण हत्या को गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो ये सही है। 1870 में फीमेल फेरीसाइड के बारे में बात की गई थी, तो पहले सती का अबोल्यूशन हुआ है, उसके बाद भी फीमेल फेरीसाइड का अबोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है माता पिता को सभी बच्चों के जन्म को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने की बाध्यता की गई थी, तो ये भी सही है। फिर जन्म के कुछ वर्षों के बाद कन्याओं का सत्यापन विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ अभी भी प्रथा प्रचलित है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है इस एक्ट के द्वारा किए गए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फिर मैच दी फॉलोइंग है, इसमें एक्ट दिया हुआ है और उस एक्ट से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको पता करना है। तो एक्ट ऑफ कंसेंट, ठीक है, ये किससे रिलेटेड था? तो यहाँ पे देखते हैं लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह योग आयु, ये एज से रिलेटेड है। लड़कियों और लड़कों की शादी की उम्र से रिलेटेड है। हिंदू मुस्लिम और अन्य मान्यता प्राप्त ये 12 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी की मनाए। तो एक्ट ऑफ एज ऑफ कंसेंट जो था वो ये 12 साल की से कम उम्र की लड़कियों की शादी की मनाही से रिलेटेड था। दूसरा था बाल विवाह अधिनियम 1872, तो ये था हिंदू मुस्लिम और अन्य मान्यता प्राप्त धर्मों में लागू नहीं होता। शारदा एक्ट तो आप बता सकते हैं कि से शादी की उम्र से रिलेटेड था, ठीक है। तो वो 18 उसको में क्या किया गया था, एज जो थी वो बढ़ाने के लिए बात की गई थी। और जो आगरा बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है 1978 काफ़ी बाद में आया था, तो वो लड़की और लड़कों की शादी की उम्र 18 और 21 जिसमें की गई थी वो चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 1798 था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन एक्ट्स को और इनमें क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो एक बार यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये सारे एक्ट्स, क्योंकि सब का मैटर एक एज से है, मैरिज एज से रिलेटेड है। तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू पर्टिकुलर एक्ट्स का कंफ्यूजन यहाँ पे कम कर सकते हैं। अगला, अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों में सही क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ एसे, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ राजघाट, सब्सिडरी अलायंस विद निज़ाम। तो देखो सब्सिडरी अलायंस तो यहाँ इनमें से सबसे पहले हुआ था, ठीक है, कोई वॉर ना हो पाए उसके पहले ही हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था, तो यहाँ पे सबसे पहले डी हो जाएगा। फिर इसके बाद में ऐसे ट्रीटी, ठीक है, ए। उसके बाद मुझे लगता है राजघाट, लाहौर जो है वो एंड में हुई थी, क्योंकि
पंजाब के साथ में जब वॉर्स हो रही थी, तो उसके बाद में वहाँ जा करके लाहौर की ट्रीटी हुई थी, क्योंकि पंजाब जो था वो पंजाब प्रोविंस में आता था, पूरा इंडिया में जितना भी पंजाब था उसमें लाहौर भी इंक्लूडेड था। तो यहाँ पे अगर आपको इतना पता है कि इनमें से लाहौर की ट्रीटी लास्ट में हुई थी और हैदराबाद के सब्सिडियरी अलायंस का पहले हुआ था, तो आप इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा सी। अगला, चार सूट डिस्पैच निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित था? तो वो एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, चार्ल्स वुड एक्ट, वुड्स डिस्पैच सॉरी, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड, इसमें फीमेल एजुकेशन की भी बात की गई थी, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द मीन्स अडॉप्टेड अंडर सेल्फ रिस्पेक्ट रूल, आत्मसम्मान आंदोलन के तहत कौन से साधनों को अपनाया गया? तो उच्च वर्गों को प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट किया गया था, तो ये गलत है। Undermine position of Brahmin priests by conducting wedding without them, तो ये भी सही था, यहाँ पे सिर्फ बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला, 1857 की विद्रोह में तापिया टाटे का टोपे का क्या रोल था? तापिया टोपे ठीक है, तो इसका है वह नाना साहब की सेना के कमांडर इन चीफ थे, वो सही है। ठीक है, तात्या टोपे नाना साहब के कंडम सेना के कमांडर इन चीफ थे। दूसरा, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पंचमहल क्षेत्र में भीलों को संगठित किया था, तो सेकंड भी यहाँ पे सही हो जाता है। फिर उन्होंने बेगम हजरत महल को अवध पर कब्जा करने की मदद की थी, तो ये गलत है, यहाँ पे वो लखनऊ में नहीं एक्टिव हो पाए थे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये आंसर है इसका। फिर 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कैनन थे। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल थे, फिर उसके बाद में इनको ही वाइस राय बना दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में प्रमुख नेता बेगम हजरत महल थी, हम लोग इसी सीरीज़ में कई बार कर चुके हैं, आपको याद हो जाएगी अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो करी, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल रट जाएंगी, हम उसको इतने बार रिपीट करते हैं। सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब्ड हुम द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबल, सर ह्यू रोज ने किसको विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता कहा था? तो उन्होंने ये रानी लक्ष्मी बाई के लिए कहा था। अगला, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857 से 59 के बीच में जो चली, उसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था। 1857 के विद्रोह के कारण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय और यूक्रेन सैनिकों के मध्य वेतन की भारी असमानता थी, तो बिल्कुल अनइक्वालिटी थी उनकी सैलरीज में। भारतीय सिपाहियों को उनके यूरोपियन अधिकारियों द्वारा गलत व्यवहार किया गया था, तो ये भी सही है। उन सिपाहियों को साम्राज्य के सुदूर हिस्सों से भेजा गया था, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त भारा भत्ता नहीं दिया गया था, तो उनको बहुत दूर पार्ट्स में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, लेकिन उनको कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी फीलिंग्स नहीं थी, वो दे वर नॉट हैप्पी। ठीक है, वो खुश नहीं थे। इन सारे रीजंस की वजह से 1857 में यूनिटी हुई थी और फिर वहाँ पे एक रिवोल्यूशन हुआ था, रिवोल्ट किया था उन्होंने। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1857 विद्रोह के सामाजिक कारणों में से एक है? सामाजिक कारण आपको बताने हैं, तो पहला है कि अंग्रेज भारतीयों के लिए कोई भी सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर पाए थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं कर पाए थे, उनका कोई भी हमारे साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं होता था, वो हमसे सुपीरियर अपने आप को मानते थे। अंग्रेजों की नस्ली अहंकार के शासकों ने शातियों के बीच अंतर पैदा कर दिया था। ठीक है, तो वो हमसे नस्ल भेद भी करते थे, रेसियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, जो वाइट सुपेरियोरिटी दिखाते थे, तो ए और बी दोनों ही इसका आंसर है। कंपनी द्वारा नीति के भारत हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, कोई इंडियन हैंडीक्राफ्ट को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं की गई थी यहाँ पे, ये जो तो यही सामाजिक कारण यहाँ पे पूछ रहे, तो इसका आंसर ए एंड बी हो जाएगा। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश में बारौत के निम्नलिखित में से कौन नेता था? ठीक है, तो बारौत में शामाल थे, शामाल इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारियों में से किसने झांसी के विद्रोह को दबाया था? तो वो ह्यू ग्रोस थे, इनके खिलाफ ही
रानी लक्ष्मीबाई जी ने रिवोल्ट किया था।